नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है देश और दुनिया की खबरों में। चलिए पहली खबर आ रही है। बता दें, कमला हैरिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए ये बताया है कि मैंने फॉर्म पर साइन कर दिए हैं। अब मैं आधिकारिक रूप से ऐलान करती हूं कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ूंगी। अब इस ऐलान के बाद अमेरिका का चुनाव अपने अगले स्टेज के लिए पहुंच गया है। कमला हैरिस को राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत डेमोक्रेटिक के तमाम बड़े नेताओं को समर्थन मिला हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और पूर्व हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी भी उनका समर्थन कर चुकी हैं। बाइडेन ने अपना नाम वापस लेने के साथ ही कमला हैरिस को समर्थन दिया है। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। बता दें, कल जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 3 जवानों के जख्मी तथा 1 जवान की मौत होने की खबर है, तो वहीं 1 आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 3 दिनों में कुपवाड़ा में दूसरी मुठभेड़ है। इस मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। घायल जवानों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। सुरक्षा बलों आतंकियों की तलाश में व्यापक अभियान चल रहे हैं और इलाके की हर संभावित जगह की तलाशी ली जा रही है। वहीं एक बड़ी खबर है कि रूस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अगस्त महीने में यूक्रेन का दौरा करने वाले हैं। सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला यूक्रेन का दौरा होगा। पीएम मोदी का यह दौरा रूस यात्रा के करीब महीने भर बाद होने वाला है। बता दें, मॉस्को में पीएम मोदी की रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने तब नाराजगी दिखाई थी। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा को रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी साधे रखने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तथा खबर ये भी है कि अमेरिका की नाराजगी को दूर करने के लिए पीएम मोदी यूक्रेन का दौरा करेंगे, क्योंकि रूस के दौरे को लेकर अमेरिका भारत से खफा था और इसी के चलते उसने पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया था। बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी को यूक्रेन आने के लिए आमंत्रित किया है। सूत्रों ने बताया है कि पीएम मोदी ने उनका यह न्योता स्वीकार कर लिया है और 23 अगस्त के आसपास वो यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। हालांकि अभी तक तारीखों को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बता दें, 27 जुलाई शनिवार को फिलीपीन के बलों ने दक्षिणी चीन सागर में उस विवादित तटवर्ती क्षेत्र में खाद्य और अन्य सामग्री पहुंचाई, जिसे लेकर चीन और फिलीपीन के बीच लंबे समय से टकराव की स्थिति बनी हुई है। लेकिन दोनों देशों ने इस विवादित हिस्से पर किसी भी तरह के टकराव को समाप्त करने के लिए हाल ही में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको बता दें, द्वितीय थॉमस तटवर्ती क्षेत्र पर फिलीपीनी नौसेना की एक टुकड़ी का नियंत्रण है, लेकिन बीजिंग की सेना द्वारा लगातार इसकी कड़ी निगरानी की जाती थी। फिलीपीन के विदेश विभाग ने एक बयान में कहा है कि चीन के साथ एक सप्ताह पहले हुए समझौते के बाद फिलीपीन सरकार ने विवादित तटवर्ती क्षेत्र में पहली बार आवश्यक सामग्री की आपूर्ति की है। फिलीपीन के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि इससे पहले इस विवादित क्षेत्र में आवाजाही की सूरत में दोनों देशों के जहाज रेडियो चेतावनियां जारी करते थे, जिसमें एक दूसरे के जहाजों को तत्काल तट से हटाने के लिए कहा जाता था। वहीं दूसरी तरफ 27 जुलाई को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरने वाली समुद्री संचार लाइन हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। जयशंकर की टिप्पणी इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके चीनी समक्ष वांग यी भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वियतियाने में हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संसाधन संपन्न दक्षिण चीन सागर को व्यापक रूप से वैश्विक टकराव वाले संभावित क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, बुर्नेई और ताइवान समुद्री क्षेत्र पर अपनी जवाबी दावे करते हैं। वहीं खबर है कि भारत के गगनयान मिशन की तैयारियां जोरों से हैं। अब केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि गगनयान मिशन के 4 गगनयात्रियों में से एक को अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगस्त में संयुक्त रूप से गगनयात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेंगे। अगली खबर आ रही है। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार 26 जुलाई 2024 को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया है कि पिछले 5 वर्षों में 41 देशों में कम से कम 633 भारतीय छात्रों की मौत हुई है। केरल के सांसद कोडिकुनिल सुरेश द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने बताया है कि भारतीय छात्रों की सबसे अधिक मौत कनाडा में हुई है, यहाँ 172 छात्रों की मौत हुई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित उत्तर में कहा है कि विदेश में भारतीय छात्रों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों, दुर्घटनाओं, चिकित्सा आपात स्थितियों सहित कई कारण से हुई है। कनाडा के बाद सबसे अधिक भारतीय छात्रों की मौत अमेरिका 108, फिर यूके 58, ऑस्ट्रेलिया 57, रूस 37 और जर्मनी 24। पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी एक छात्र की मौत की खबर है। वहीं खबर है कि 27 जुलाई को पाकिस्तान की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पंजाब प्रांत में 38 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से अधिकतर इस्लामिक स्टेट IAS और तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP से जुड़े सदस्य हैं। पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग CTD ने एक बयान में कहा है कि
उसने पिछले सप्ताह पंजाब में 2500 से अधिक तलाशी अभियान चलाए और लौधरान, रहीम यार खान तथा बहावलपुर से 38 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कहा गया है कि आईएस और टीटीपी के कुछ मुख्य आतंकवादियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिनमें फहीद, वहीद, साउद और ताहिर शामिल हैं। बता दें, प्रतिबंधित आतंकवादी समूह टीटीपी पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहते हैं। सीटीडी ने बताया है कि आतंकवादियों के पास विस्फोटक सामग्री, एक हथगोला, 29 डेटोनेटर, 50 फुट फ्यूज वायर, हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि गिरफ्तार आतंकवादियों को पूछताछ के लिए अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान स्थित विवादास्पद सादुन सोना खदान को यूनेस्को विश्व विरासत समिति ने शनिवार को एक सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया। इससे पहले जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरियाई मजदूरों के उत्पीड़न के काले इतिहास को प्रदर्शित करने पर सहमति जताई थी। ये फैसला जापान और दक्षिण कोरिया के बीच बेहतर होते संबंध का संकेत है। उत्तरी जापान के निगिगाता तटीय द्वीप पर स्थित ये खदान करीब 400 वर्षों तक सक्रिय था और 1999 में बंद होने से पहले दुनिया के सबसे बड़े सोना उत्पादक खदानों में से एक था। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी असम में चराइदे मोइदम को सांस्कृतिक संपत्ति की श्रेणी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। चराइदे मैदान पूर्वोत्तर का पहला और भारत का 43वां स्थल है, जिसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। मोइदम में आहोम शासकों के पार्थिव अवशेषों को उनके सामान के साथ रखा जाता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने गाजा में हो रहे संघर्ष के बीच सेंट हिलारियन मठ को हेरिटेज इन डेंजर वाली सूची में शामिल किया। फिलिस्तीन के पर्यटन मंत्री हानी हल हायाग ने बयान में कहा, इसराइल के हमलों के मद्देनजर गाजा में स्थित सेंट हिलारियन मठ का आपातकालीन पंजीकरण किया गया है, जो गाजा में फिलिस्तीनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का काम करेगा। यहाँ युद्ध के कारण 100 से अधिक विरासत, पुरातत्विक और सांस्कृतिक स्थलों को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। वहीं खबर है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान अब पाकिस्तान से नहीं ब्रिटेन से चुनाव लड़ेंगे। आपने बिल्कुल सही पढ़ा, इमरान अब पाकिस्तान की जगह ब्रिटेन से चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल इमरान खान पाकिस्तान में एक केस में 10 साल की सजा काट रहे हैं। आपको बता दें, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के चांसलर पद का चुनाव है, जो कि ऑनलाइन होता है। इसलिए इमरान खान इस चुनाव में अपनी दावेदारी दिखा सकते हैं। हालांकि अभी चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, ना ही उनके पार्टी के प्रवक्ता ने इस बात पर कोई अर्जी लगाई है। इमरान खान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सलाहकार एवं उद्यमी सैयद जुल्फी बुखारी के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि आने वाले चांसलर के पद के लिए इमरान खान भी अपना दावा कर सकते हैं। वही खबर ऑनलाइन दुनिया से है। बता दें, टेस्ला, एक्स, स्पेसएक्स जैसी तमाम कंपनियों के मालिक और मेटा के सीईओ के बीच इंटरनेट पर लड़ाई छिड़ी हुई है। एलन मस्क मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी नियम के साथ लड़ने की बात कही है। इसी बीच जुकरबर्ग ने भी इस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि क्या हम सच में फिर से ऐसा कर रहे हैं। खैर, दिग्गजों की इस फाइट से सोशल मीडिया यूजर्स के मजे हो गए हैं। लोग कई तरह के रिस्पॉन्स दे रहे हैं। वहीं अमेरिका में नवंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी की दावेदारी की दौड़ में शामिल कमला हैरिस पर हमला तेज करते हुए कहा है कि अगर वो निर्वाचित हुई तो अमेरिका के इतिहास में सबसे खराब उदारवादी राष्ट्रपति साबित होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दें, फोर्ब्स एडवाइजर की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में पाकिस्तानी शहर कराची को पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे जोखिम भरा शहर माना गया है। इस शहर को 100 में से 93.12 अंक मिले हैं। रैंकिंग में कराची के वेनेजुएला के कराकास से ठीक पीछे रखा गया है, जो कि 100 अंकों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। म्यांमार के यांगून में 91.67 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी ढाका को 6वां सबसे जोखिम भरा शहर माना गया है। बता दें, वेनेजुएला के काराकास को पर्यटकों के लिए दुनिया का सबसे जोखिम भरा शहर माना जाता है। इस रैंकिंग में योगदान देने वाले कारकों में क्राइम रेट, हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक चुनौतियों को शामिल करके रैंकिंग की जाती है। वहीं नेपाल के बाद अब दूसरे देश में भी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। यह हादसा अमेरिका में हुआ है। भारतीय समय अनुसार रात करीब 1 बजे एक विमान करीब 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेरिका के वियोमिंग राज्य के गिलेट शहर के जंगल में जा गिरा। गिरते ही विमान में भीषण आग लग गई और इसकी वजह से पूरा जंगल जलकर राख हो गया। विमान में लगी आग से करीब 8 से 10 एकड़ में फैला जंगल भी चपेट में आ गया। हालांकि अभी तक विमान में सवार लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आशंका यही है कि सभी लोग मारे गए हैं, जबकि दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग बुझा दी है।
वहीं खबर है कि अमेरिका और ब्रिटेन की नौसेना ने मिलकर यमन के हुदैदा शहर में एक हवाई अड्डे पर 3 हवाई हमले किए हैं। यह हवाई अड्डा हौती विद्रोहियों के कब्जे में है। स्थानीय निवासियों ने सोशल मीडिया पर बताया है कि हमले हौती ठिकानों पर किए गए। दूसरी तरफ यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि उसने यूक्रेन की सहायता के लिए 1.5 बिलियन यूरो ट्रांसफर किए हैं। ये पैसे रूस की जब्त की गई संपत्ति से आए हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएएसी बल में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। सीएम योगी ने अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अड़ंगा लगाने, टांग अड़ाने और अफवाह फैलाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बीते 10 सालों में भारत में बेहतरीन रिफॉर्म हुआ है। सीएम योगी ने कहा है कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और इसके साजो सामान के मामले में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोबारा देश और दुनिया की खबरों के साथ।